नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन की। मतलब अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आपने दवाइयाँ ट्राई कर ली है, आपको स्पर्म नहीं आ पा रहे हैं और ये स्पर्म आपके टेस्टिस के अंदर है, तो हम किस तरीके से टेस्टिस में से स्पर्म निकालते हैं। यूजुअली अगर आपके स्पर्म काउंट ज़ीरो है और आपको दवाइयाँ नहीं काम कर रही है, आप सर्जरी करा चुके हो और अब टाइम आ गया है कि भाई बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको कभी ना कभी IVF नाम की एक तकनीक के बारे में बताया गया होगा। तो IVF के अंदर कन्फ्यूजन रहता है कि टेस्टिस में से स्पर्म कैसे निकालेंगे। अगर ये टेस्टिस है तो हम टेस्टिस के अंदर से स्पर्म को कैसे निकालेंगे यूज़ करने के लिए, और कुछ टर्म्स हैं जैसे टीसा, टीसे और माइक्रो टीसे जो आपको बोला गया होगा। बहुत से पेशेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि ये टर्म्स में क्या डिफरेंस है, अंडे तो है ही तो हमें स्पर्म कैसे निकालना है। तो पहले हम एक अंडे एक योग से समझेंगे कि नॉर्मली ह्यूमन टेस्टिस होता कैसे है। और दूसरे अंडे से समझाऊंगा मैं आपको ये तीनों टेक्निक्स, टीसा, टीसे और माइक्रो टीसे में डिफरेंस। तो नॉर्मली जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर एक, जैसे जब ये स्क्रोटम नहीं है, जैसे अंडकोश तो आपके स्किन हो गई, जब अंडकोश को सब हटाएंगे तो आपको ये बॉल्स मिलती है जो नॉर्मली वाइट कलर की होती है। इन बॉल्स के ऊपर एक वाइट कलर की सर्फेस होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजीनिया, जिसके अंदर आपका जो है टेस्टिस नॉर्मली होता है। तो अगर हम उस टेस्टिस को खोलेंगे तो टेस्टिस के अंदर ये बाहर की जो लेयर होती है उसको ट्यूनिक एल्बुजीनिया बोलते हैं, और इसके सेंटर में हमारा टेस्टिकुलर टिश्यू होता है जिसको स्पर्मेटिक ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जिसके अंदर स्पर्म बनते हैं। ये नॉर्मली टेस्टिस के बीच में होता है और इसी के अंदर स्पर्म बनते हैं, और अगर हमें स्पर्म निकालने हैं तो हमें इसी के अंदर से स्पर्म निकालने पड़ेंगे। नॉर्मली जो स्पर्म है वो इधर स्पर्मेटिक ट्यूब्यूल बनता है, यहाँ पर एक रीड टेस्टिस होता है टेस्टिस में, जो बेसिकली सारे ट्यूब्यूल्स मिलकर दो या तीन ट्यूब्यूल्स बनाते हैं जो स्पर्म टेस्टिस के हेड पर आते हैं। टेस्टिस के हेड से एक एपिडर्मिस स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस के साइड में लगा होता है, तो यहाँ से स्पर्म निकल के एपिडर्मिस में आते हैं, और आप साथ में देखें ग्राफिक्स भी चल रहे हैं, और एपिडर्मिस में आके फिर वास है जो इस स्पर्म को आगे सीमन तक ले जाती है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये जो एपिडर्मिस या वास है ये ब्लॉक्ड है और स्पर्म नहीं आ पा रहा है, या टेस्टिस जो है बहुत वीक है, इतने स्पर्म बना ही नहीं पा रहे कि वो स्पर्म बाहर आए, तो ज़रूरत पड़ती है हमें इस स्पर्म को निकालने के लिए। अब चार टेक्निक्स है जो डिस्क्राइब होती है टेस्टिस में से स्पर्म निकालने के लिए। अब उसमें सबसे पहली टेक्निक है FNAC। FNAC मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। नॉर्मली अगर आपको टेस्टिस के अंदर स्पर्म तक पहुंचना है तो या तो टेस्टिस को पूरा खोलो और काट के सैंपल लो, पर आजकल काट कटाई वाला ज़माना ख़त्म हो गया और कोशिश करते हैं कि हम टेस्टिस को बिना काटे ही स्पर्म निकालें, उसको बोलते हैं FNAC या टीसा। और FNAC और टीसा में क्या करेंगे कि आपका ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस में अंदर स्पर्म है, हमें स्पर्म को निकालना है, तो सुई के माध्यम से हम जाएंगे अंदर और उसमें से हम सैंपल खींच लेंगे। तो अगर हम पतली सुई यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं FNAC। आप देखेंगे इसमें कोई डैमेज नहीं, टेस्टिस डैमेज नहीं होता, क्योंकि आप अंदर गए और आपने सैंपल लिया और आप बाहर आ गए। अगर आप इसके अंदर पतली सुई इस्तेमाल कर रहे हैं, पेशेंट को बेहोश नहीं कर रहे हैं और सैंपल आपको खाली टेस्टिंग के लिए चाहिए, आपको सैंपल बच्चा करने के लिए नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं फाइन नीडल FNAC। FNAC का फ़ायदा ये है कि आपकी नीडल पतली है, आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर पिक नहीं करना, आपको मैक्सिमम 1, 2 और 3 सैंपल लेने हैं। ये पेनलेस होता है, इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती, पेशेंट सेम डे कर जा सकता है, इसके अंदर कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। पर जो सैंपल मिलेगा वो सैंपल बहुत माइनर होता है, उसमें खाली देखना होता है कि स्पर्म है या नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, हेड कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, पेशेंट IVF के लिए तैयार है या नहीं है, और अगर उसको IVF करना है तो क्या हम उसको टीसा के लिए ले सकते हैं। अगर हमें, आप देखेंगे कि कई बार FNAC में प्रॉब्लम क्या है, FNAC में आपने एक बार सैंपल लिया आ गए बाहर। आप अगर इसको ऐसे देखें 3D फॉर्म में, तो आपने सैंपल लिया और आप फॉर एग्जांपल इस एरिया सैंपल लिया बस, ठीक है, हो सकता है कि इस एरिया में स्पर्म ना हो, स्पर्म इस एरिया में हो, तो कई बार FNAC में फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है। मतलब टेस्टिस में स्पर्म है पर हमारा जो नीडल है सीधे पहुँचा नहीं, नीडल बाहर ही रह गया, नीडल पूरे योग तक गया नहीं, क्योंकि ज़्यादा स्पर्म जो है वो टेस्टिस के सेंटर में बनते हैं, हम सेंटर तक पहुँचे नहीं, तो उस कारण से FNAC में कई बार हमें फॉल्स नेगेटिव मिल जाता है। तो उसमें क्या दिक्कत होती है, कई बार IVF सेंटर में या किसी डॉक्टर ने आपको FNAC किया, बार बार से FNAC कर दिया, सेंटर तक पहुँचे नहीं, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, वो आपके हस्बैंड को बोलेगा कि आपके स्पर्म है नहीं, आप डोनर स्पर्म लो। तो कई मरीज क्या है, डॉक्टर की बात बड़ी मान के डोनर स्पर्म पर चले जाते हैं और उनके अपने स्पर्म होते हैं। तो एक नई टेक्निक है जिसको बोलते हैं 3D मैपिंग। 3D मैपिंग मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपने FNAC किया और इस FNAC में आपको रिजल्ट नहीं मिला,
तो हम इस टेस्टिस को हम ऑलमोस्ट 36 पार्ट में बांट देते हैं, मतलब 12 पार्ट भी होता है 36 पार्ट भी होता है, और फिर हम हर एक पार्ट से, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 हर पार्ट से 3D मतलब पूरे टेस्टिस को कवर करते हैं, और कई बार उसके अंदर हमें स्पर्म मिल जाते हैं। तो 3D मैपिंग से कई बार अगर कोई पेशेंट है जिसको FNAC पे स्पर्म नहीं है, बताया गया डोनर लेना है, तो 3D मैपिंग से कई बार हम स्पर्म ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने FNAC कर लिया, 3D मैपिंग कर ली, और हमें लगा कि नहीं अब हमें स्पर्म को यूज़ करना है IVF के पर्पज़ से, तो उसमें एक टेक्निक होती है उसे बोलते हैं TESA, TESA। TESA होता है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब कि हमें टेस्टिस में कट नहीं लगाना है, हमें इस निडल से थोड़ी और मोटी निडल लेनी है, मरीज़ को बेहोश करना है, और मरीज़ के टेस्टिस से 8 जगहों से सैंपल लेना है, मतलब 8 जगहों से हम थोड़ा सैंपल लेते हैं, और उस सैंपल में से स्पर्म ढूंढते हैं। स्पर्म मिलते हैं तो उसको या तो फ्रीज करेंगे या IVF के लिए इस्तेमाल करेंगे। TESA में और FNAC में क्या फ़र्क है? FNAC में हम सैंपल को स्टोर नहीं कर रहे, सिर्फ चेक कर रहे हैं निडल पतली है, पेशेंट को बेहोश नहीं किया, सिर्फ चेकिंग हो रही है। TESA में हम सैंपल ले रहे हैं, हम बड़ी निडल यूज़ कर रहे हैं, हम मरीज़ को बेहोश कर रहे हैं, सैंपल को फ्रीज़ कर रहे हैं, और सैंपल को सीमन के लिए या सैंपल को प्रेगनेंसी के लिए यूज़ कर रहे हैं। FNAC में हम कोई सोल्यूशन यूज़ नहीं करते, TESA में हम टेस्टिस या स्पर्म प्रिजर्विंग सैंपल या सोल्यूशन यूज़ करते हैं ताकि जो स्पर्म है वो हार्म ना हो। अब आप देखेंगे निडल यूज़ करना ऑब्वियसली बेनिफिशियल है, क्योंकि निडल यूज़ करी तो आपको ना तो कोई चोट लगी, ना ब्लीडिंग हुई, ना आपको कोई टेस्टिस में डैमेज हुआ, पर निडल कई बार फेल हो जाती है। इसके दो रीज़न है, कई बार निडल से हमें उतना सैंपल नहीं मिल पाता जितना हमें चाहिए, कई बार निडल जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ तक पहुँच नहीं पाती, कई बार हम निडल में हमको पूरा एडिक्वेट सीमन या स्पर्म नहीं मिल पाता, या टेस्टिस बहुत छोटे हैं, टेस्टिस बहुत फर्म नहीं है, तो उस केस में हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना पड़ता है जिसको बोलते हैं TESA या टेस्टिकुलर बायोप्सी। TESA मतलब क्या हुआ? TESA मतलब कि एक्सट्रैक्शन। TESA मतलब कि अब निडल से काम नहीं बन रहा तो हम टेस्टिस के अंदर एक छेद करेंगे, टेस्टिस में ऐसे छेद करेंगे और टेस्टिस में से ये सैंपल निकाल लेंगे, और अब हमें जो अंदर से है हमने एक अपना सैंपल जो है निकाल लिया, तो इसको बोलते हैं TESA। तो आप देखेंगे TESA में हमने टेस्टिस में छेद किया और जितना हमें सैंपल चाहिए उतना हमने सैंपल निकाल लिया। तो TESA का एडवांटेज ये है कि हम ज़्यादा स्पर्म को निकाल सकते हैं, हम ज़्यादा टेस्टिस में से सैंपल ले सकते हैं, पर इस TESA के दो प्रॉब्लम है। पहला तो दिख ही रहा है आपको, टेस्टिस में इतना बड़ा कट लग गया, टेस्टिस में इतना बड़ा छेद हो गया, टेस्टिस में से हमने इरा सैंपल निकाल लिया। तो टेस्टिस के अंदर जो टिश्यू है, टेस्टिस के अंदर जो ये आपका मज्जा है, योक है, जो स्पर्मेटिक टिश्यू है, ये लिमिटेड होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक बार के अंदर इतना टिश्यू निकाल लिया तो कभी फिर से नहीं बनेगा। तो हर बार जो आप टेस्टिस में कट लगवा रहे हो, टेस्टिस के अंदर घुस रहे हो, तो हर बार आप टेस्टिस को कुछ हद तक डैमेज कर रहे हो। और ये टेस्टिस का जो टिश्यू है इसका काम सिर्फ स्पर्म बनाना नहीं है, इसका टेस्टोस्टेरोन बनाना भी है। तो अगर आप 2 महीने बाद टेस्ट कराओगे तो आपको टेस्टोस्टेरोन कम मिलेगा, 400 था तो 350 हो जाएगा, जितना सैंपल निकालेंगे उतना टेस्टिस डैमेज होता है। इसलिए TESA या एक्सट्रैक्शन या बायोप्सी हम तभी करते हैं जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जब हम लोग दवाइयाँ एक्सपेंड कर चुके हैं, हमारे को निडल पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि टेस्टिस कोई लिवर की तरह, किडनी की तरह, ब्रेन की तरह इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हम टेस्टिस में बार बार ऐसे छेद करके हम सामान ही निकाल सकते हैं, क्योंकि वो फिर से बनेगा नहीं। इसलिए अगर आपके डॉक्टर आपको TESA के लिए बोल रहे हैं या टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए बोल रहे हैं तो सावधान रहिए, ये कट लगवाने से पहले, ये टेस्टिस में से सैंपल करने से पहले आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपको एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। हो सकता है 3D मैपिंग से, हो सकता है FNAC से, हो सकता है अच्छी तरह करी गई TESA से आपको फ़ायदा मिल जाए। तो इसमें एक प्रॉब्लम और भी है। एक प्रॉब्लम और क्या है, आप देखेंगे ये हमने ऊपर ऊपर से सैंपल लिया है बायोप्सी में, जबकि स्पर्म बन रहा है सेंटर में। तो TESA में कई बार जो सैंपल है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से आता है, और कई बार टेस्टिस जब ख़राब होते हैं तो इस एरिया में स्पर्म नहीं बन रहा होता। तो आपने सैंपल भी ले लिया, कटवा भी लिया, पर आपने सिर्फ टेस्टोस्टेरोन वाला सामान निकलवा लिया, जो मेन सामान है अंदर वो अभी वही का वही रह गया। तो इसलिए टेस्टिकुलर बायोप्सी में कई बार, अगेन, आपने कटवा भी लिया, सब कुछ हो गया, पर उसके बाद भी आपको सैंपल नहीं मिलता, क्योंकि आप सेंटर तक नहीं पहुँच पाए। तो उसके लिए, उस कंडीशन के लिए एक स्पेशल टेक्निक है जो आजकल फेमस हो रही है, फ़ायदा भी नुकसान भी है, वो है माइक्रो TESA। माइक्रो TESA में क्या होता है कि हम टेस्टिस को लेते हैं और टेस्टिस को पूरा का पूरा 2 फाड़ कर लेते हैं,
ठीक है, टेस्टिस को खोलते हैं, फिर एक माइक्रोस्कोप लेके आते हैं और माइक्रोस्कोप में जो जो एरिया हमें लगता है स्पर्म वाला है उसको एक थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके उनको देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ले लिया, थोड़ा यहाँ से ले लिया, थोड़ा यहाँ से ले लिया। तो माइक्रो टीसे में अगर आपके टेस्टिस में कहीं पर भी स्पर्म है तो आपको वो स्पर्म मिल जाएगा। पर माइक्रो टीसे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, दो रीज़न है। पहला, आपका टेस्टिस खुल गया तो उस कारण से आर्टरीज जो है वो डैमेज होती है। माइक्रो टीसे टेस्टिस में लाइफ में एक ही बार हो सकता है, बार 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 टेस्टिस को नहीं खोल सकते। माइक्रो टीसे से टेस्टिस छोटा हो जाएगा। अगर आपका टेस्टिस 10 ग्राम का है तो माइक्रो टीसे के पास 6 ग्राम का रह जाएगा। माइक्रो टीसे करने के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा। तो माइक्रो टीसे तभी करते हैं जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, एक ही टेस्टिस में करेंगे, दोनों में नहीं करेंगे। और जिस टेस्टिस में माइक्रो टीसे कर रहे हैं, ज़रूरी है कि जो सर्जन उसको खोल रहा है उसने कम से कम 500 से 1000 माइक्रो टीसे किए हो। ये नहीं कि सिर्फ एक स्पर्म के चक्कर में आप टेस्टिस भी खोदो, क्योंकि टेस्टिस का काम सिर्फ स्पर्म बनाना नहीं है, टेस्टिस का काम टेस्टोस्टेरोन बनाना भी है। और हो सकता है कि आपका लक अच्छा हो, बच्चे हो जाए, पर अगर आपको बच्चे नहीं हुए तो बच्चे भी गए, स्पर्म काउंट तो मिला नहीं और टेस्टिस डैमेज हो जाएंगे, तो आपको ज़िंदगी भर टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन और सेक्स की दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। तो आज आप समझे कि इस अंडों के माध्यम से, थैंक यू एग्स, इन अंडों के माध्यम से किस तरह आप अपने टेस्टिस में से स्पर्म निकलवा सकते हो। सिंपलेस्ट FNAC, सेकेंड सिंपलेस्ट 3D मैपिंग, थर्ड TSA, फोर्थ TSA, फिफ्थ माइक्रो TSA, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेवस्टेटिंग, सबसे ज़्यादा कटिंग, सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग, सबसे ज़्यादा डैमेज माइक्रो TSA, सबसे ईजी, सबसे सिंपल, सबसे कम्फर्टेबल FNAC या TSA। तो जब आप जाए IVF सेंटर में या जाए किसी एंड्रोलॉजिस्ट के पास और बोले आपको माइक्रो TSA के लिए, तो पहले उससे पूछे कि क्या ये ज़रूरी है, क्या हम किसी और तरीके से पहले कन्फर्म नहीं कर सकते कि हमें स्पर्म है या नहीं है, क्या कोई दवाइयाँ हम नहीं ट्राई कर सकते, या पहले हमारा TSA करके देख लो, कट नहीं लगवाना। तो ये आपका राइट है जानना प्रोसीजर्स के बारे में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज़ स्टे सब्सक्राइब्ड। और अगर आपको मर्दों की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो आई एम देयर ऑलवेज फॉर यू टू हेल्प यू आउट। आपको डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी क्वेश्चन पूछेंगे जवाब दूंगा, मैं बीच में लाइव भी आता हूँ, उस पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।